श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में से कुछ चीजों को हटा देते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा बना हुआ हो जो पूरी तरह से वास्तु के हिसाब से हो तथा घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा है और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति की तरक्की हो। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, मगर कई बार होता है कि हमारे घर का वास्तु के हिसाब हमारा जो घर है वो तो वास्तु के हिसाब से बना होता है, परंतु उसके अंदर की चीजें सकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं देती। वास्तु के अनुसार घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसका बुरा असर सीधे आपके पैसों पर पड़ता है। इन चीजों को हटाने पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कब गरीबी के रास्ते चले जाएंगे आपको खुद भी नहीं मालूम पड़ेगा। जैसा आपका घर है, जैसा भी हो, अगर आप उसमें से कुछ चीजों का सफाया कर देंगे तो आप जीवन भर खुश रहेंगे और पैसे वाले बने रहेंगे। हम आपको बताते हैं कि ये चीजें क्या हैं। कबूतर का घोंसला। ये कहा जाता है कि घर में कबूतर का घोंसला होने पर गरीबी के साथ साथ घर में अस्थिरता आती है, अस्थिर रहता है। अगर आपके घर में ऐसा ही एक घोंसला है जिसे आप दूर कर दें। फिर मधुमक्खी का छत्ता। एक मधुमक्खी का छत्ता आपके लिए ना सिर्फ खतरनाक ही है बल्कि यह घर में दुर्भाग्य और गरीबी को आकर्षित करता है। इसे घर से जल्द दूर कर दें। फिर मकड़ी का जाला। घर में मकड़ी का जाला आपके जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत है, इसे आप तुरंत हटा दीजिए और अपने घर को साफ करें। फिर टूटा शीशा। यह खराब वस्तु का प्रतीक है बल्कि यह घर में नेगेटिव एनर्जी को भी आकर्षित करता है, इससे घर में गरीबी बनी रहती है। फिर चमगादड़। चमगादड़ खराब स्वास्थ्य, दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां, गरीबी, यहां तक कि मौत के पदाधिकारी माने जाते हैं। यदि आपके क्षेत्र में चमगादड़ दिखते हैं तो सूर्यास्त के बाद सभी खिड़कियां और दरवाजे सील कर दें जिससे वो घर के अंदर नहीं आए। फिर दीवार में सेंध, दीवार में दरार या सेंध को तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। फिर जो नल से पानी टपकता है तो टपकने वाले नल ना सिर्फ पानी को वेस्ट करते हैं बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर घसीटने का काम भी करते हैं। फिर घर की छत पर रखा कबाड़। अक्सर लोगों के घरों की छतों पर कूड़ा या पुराना फर्नीचर पड़ा होता है जिसे तुरंत साफ करा देना चाहिए, तो गरीबी वास करने लगती है। फिर पुराने पूजा के फूल। रोज भगवान को पूजा करते समय जो फूल आप उन्हें चढ़ाते हैं वो दूसरे दिन पुराने हो जाते हैं, उस जगह को रोज साफ करके फूलों को हटा दीजिए, नहीं तो इससे घर में गरीबी वास करने लगती है। सूखी पत्तियां। घर में लगे पेड़ पौधे, उनकी सूखी पत्तियों को काटकर अलग कर दिया करें। साथ ही घास फूस को झाड़ू मारकर बाहर फेंक दें, नहीं तो इससे गरीबी आती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।